सबसे पहले थैंक्स करूँगी सी को और आपका मतलब आपकी हरे घास की रोटी <laughs> मतलब फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे आपकी हरे घास की रोटी देखी थी उसके बाद मतलब कभी भी डिमोटिवेशन हुआ ना रात को वही चला के सोती थी मैं कि हरे घास की रोटी देख लो सब हो जाएगा ठीक और मतलब बाकी सब मेरे को विनीता से पता चला था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है और मतलब बाकी किसी कोचिंग में मैंने देखा नहीं आज तक कि ऐसा कुछ हुआ हो मतलब बॉस खुद आते थे अलवर मेडल सेरेमनी करने इवन हम लोग जब कैंप में थे तो पी सर आते थे कैंप में बोलने की बच्चों कोई नहीं एनसीईआरटी कर लो ज़्यादा टेंशन मतलब प्रेशर रिलीज़ कर दो अब भी मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खड़ी हो और मतलब रिपीटर्स के लिए केवल इतना है कि ना अभी सबने बोल दिया कि ये करना है आपको वो करना है पर ना अब करने का टाइम है मतलब ये मत सोचो कि कब करेंगे कब करेंगे अभी करो जो करना है सर अलवर ब्रांच तो मतलब ऐसे की अलवर की जन्नत है वो अब तो बहुत अब तो, आ रहा होगा सीरियसली मेरा तो बहुत लाड आ रहा था अलवर के बच्चों में मेरा तो मैंने तो मतलब सर मतलब टेस्ट के अलावा एक क्वेश्चन बाहर का नहीं लगाया आपसे जो और फिर भी मतलब स्कोर आ गया लास्ट में भी काफी मतलब जंप आ गया था आपको बिकने मिल आराम से बेटा थैंक यू सर थैंक यू सर